अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है क्या बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और ये रमज़ान मुबारक की 10वीं सहरी है, आप सबको 10वीं सहरी मुबारक हो। और जो है ना, कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, आज मैंने सोचा जल्दी कर लूँ और एक अशरा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया सारा। आज मैंने नीचे वाले घर की भी सफाई की थी और ऊपर घर की भी सफाई की थी, मासी आ नहीं रही और 8 दिन हो गए थे मैंने नीचे घर की सफाई नहीं की थी। और हमारे यहाँ जो है ना, डस्ट बहुत है, और तो मैंने सोचा रिकॉर्डिंग करूँगी लेकिन बहुत थक गई थी और पानी का भी कुछ टाइम से इशू भी चल रहा है, तो बारी बारी काम भी कर रही थी, थक रही थी असल में रोज़ा भी था और सुबह जल्दी उठती थी और ऊपर से बच्चों का होता है, बच्चों को भी खिलाना पिलाना होता है। तो जी मैंने डायरेक्ट जो है ना वो इफ्तारी की रूटीन शेयर कर ली है। तो मैंने आज मतलब रोज़ 2 डिशेस मेरे जहन में होती है कि मैं कुछ ना कुछ 2 डिशेस मतलब 2 आइटम बनाऊं, डिशेस तो नहीं कह सकती आइटम बनाऊं तो बच्चे खा भी लें, और कभी कभार कुछ बच भी जाता है। उस दिन चने वगैरह बच गए थे तो मेरी सिस्टर भी बनाई थी, मैं भी बनाती हूँ इस तरीके से। तो मैंने भी आज क्या किया कि ना सारे मिक्स कर दिए और ब्रेड क्रम्स के साथ इसमें मसाले वगैरह डाल के और उसको ना कूट के और ना उसको ना वो क्या कहते हैं शीख कबाब की शेप में डाल के, और मैंने ना इसको बनाया था एज़ अ फास्ट फूड की तरह। इसका शक्ल भी चेंज हो गई, बच्चों ने इजी और अच्छे तरीके से खाए थे। और ये जो है ना मेरा सिंपल सा छोटा सा व्लॉग था और यही सिंपल सी रूटीन थी। और जो है ना मैं कोशिश करती हूँ कि बाहर जाऊँ कहीं तो रिकॉर्डिंग भी करूँ, लेकिन आजकल रमज़ान मुबारक है, कहीं जाना बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत ही मुश्किल से जाना होता है, अम्मी के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जाना होता है। तो मतलब कि वहाँ पे मैंने उस दिन रोज़े के टाइम गई थी, तो मैंने रिकॉर्डिंग की थी और मैंने वो रोज़े की वीडियो भी डाली थी। अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं कि आप सबका जो रमज़ान मुबारक है वो कैसा गुज़र रहा है, और हर किसी सबकी रूटीन कैसी है। उमूमन मैं व्लॉग्स देखती हूँ तो सबकी रूटीन मुझे एक जैसी ही लगती है, लेकिन है ना ये है कि किसी की फैमिली बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है, और कोई ज़्यादा कुछ बनाता है, कोई कम बनाता है, कोई बाहर से मंगाता है। तो मैं उमूमन घर पे ही बनाती हूँ, कभी कभार दिल करता है बाहर मंगाने पे, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं घर पे ही बनाओ, लेकिन फिर भी मैं मंगाती हूँ। तो अभी तक बाहर से कुछ नहीं मंगाया है, लेकिन इंशाल्लाह मंगाऊंगी, वो भी दिखाऊंगी। मुझे ना वो कचौरी बहुत पसंद है, वो शाहीन हमारे यहाँ मिलता है उसकी। ये बच्चों को भी मैं नमाज़ पे छोड़ देती हूँ कि नमाज़ पढ़ो, अगर मोबाइल हाथ में होता है तो उनकी भी वीडियो रिकॉर्ड कर देती हूँ और मन मोबाइल हाथ में ही होता है तो नमाज़ वगैरह पढ़ो तो थोड़ी बस रिकॉर्डिंग करके मोबाइल रख देती हूँ। तो जी ये मैं छोटी सी मतलब कि थी वीडियो थी, लेकिन कोशिश और काविश जारी है। और मेरी कुछ शॉर्ट्स हैं ना उसमें व्यूज आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, तो उसमें सब्सक्रिप्शन में भी एडिशन हो रही है। आप सब लोग भी मुझे इसी तरह सपोर्ट करें और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। मोटिवेशन की वजह से मैं ना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ, एडिटिंग सीखूँ या देखूँ क्या कौन कैसे बनाता है। अभी तो मेरी यही होती है कि बस जो मुझे आता है वही बनाती हूँ।